आदित्य का सभी दर्शकों को एज ए राज लाइव न्यूज प्रमोटर नमस्कार। आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसे संवेदनशील मुद्दा को लेकर खड़ा हुआ हूँ जिससे फिर से पूरा मीरा भाईंदर ही नहीं समूचा देश हिल गया। एक 4 वर्षीय बच्ची का एक अमानुष ढंग से किया हुआ बलात्कार। आज हमारे नवघर रोड पुलिस सहित हमारी स्थानिक क्राइम की जो टीम थी एंटायर टीम, उन्होंने जो 24 घंटे में इस वारदात का जो सोल्यूशन लाया है उसके लिए सर्वदा उनकी तारीफ हो रही है। इस मुद्दे को लेकर जन जागृति पूरे मीरा भाईंदर में फैले। माननीय प्रफुल्ल वाघ सर क्राइम के, जो कि थाने डिस्ट्रिक्ट के रूरल के आनबान शान हैं और उनने जो उत्तरदायित्व तो निभाया है जब से अपना चार्ज संभाला है, उनकी तारीफ जितना की जाए कम है। आज ऐसे अफसरों के कारण ही पूरा विश्व हमारी महाराष्ट्र पुलिस को सलाम करता है। मैं उनसे चाहता हूँ कि हमारे लोगों को जन जागृति के लिए थोड़ा प्रोत्साहित करें और साथ ही में ये जो जघन्य घटना घटी थी उनने जो इन्वेस्टिगेशन करते वक्त देखा था उसे शॉर्ट में लोगों तक पहुंचाए जिससे कि जन जागृति में तेजी आए। को लड़की की लाश मिली थी तो लड़की की लाश देखने के बाद हमको पता चला कि इसके ऊपर कुछ फिजिकल असॉल्ट हुआ है। ये काफी सेंसिटिव मुद्दा था इसलिए हम लोग ने मेरी टीम को मैं अलर्ट कर दिया और इस तरीके की वारदात को अंजाम देने वाला उसके घर के आजू बाजू वाला या कोई रिश्तेदार रहता है ये सोच के हम लोग ने वहाँ पे जितने भी सस्पेक्टेड थे उनको कब्जे में लिया था। उनके इंट्रोगेशन में हम लोग को एक यूनुस नाम का लड़का मिला था तो उसके यूनुस ने हमको फिर इंट्रोगेशन में बताया था कि वो लड़की के ऊपर उसने जाती की और उसके सर पर पत्थर मार के उसको मार डाला था और बाजू के ही गटर में उसको दफना दिया था। तो मैं सोसाइटी को ये बताना चाहूँगा कि यूथ ने और सोसाइटी ने सभी ने अलर्ट रहना चाहिए। या फिर ऐसी कोई घटना घटती है, कोई आसपास के लड़के बच्चे बच्चियाँ अगर गुम हो जाते हैं तो तुरंत पुलिस स्टेशन में इतला करना चाहिए, इंफॉर्मेशन देनी चाहिए और उसको बच्चों को ढूंढने में मदद करनी चाहिए। काफ़ी बार ऐसा होता है कि बच्चों का अपहरण किया जाता है पैसों के लिए या फिजिकल असॉल्ट के लिए तो 2-3 दिन के बाद उनकी लाश पाई जाती है। अगर सोसाइटी अलर्ट रहे, सोसाइटी के यूथ अलर्ट रहेंगे तो वो बच्चे हम लोग को सही तरीके से रिटर्न मिल सकते हैं। पुलिस काफ़ी हद तक मेहनत करती रहती है लेकिन सोसाइटी का भी उसको सहयोग मिलना ज़रूरी है। पहले अगर छोटे बच्चे 18 साल के कम उम्र वाले बच्चे अगर गुमशुदा हो जाते थे तो उसके बारे में मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई जाती थी, लेकिन समाज में जो गंदगी और दरिंदगी फैल रही है और बच्चों की सुरक्षितता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने और पुलिस ने एक नया कानून में तब्दीली की है। अगर 18 साल के नीचे कोई लड़का या लड़की गुम हो जाएगी तो मिसिंग रिपोर्ट न लेते हुए उसका किडनैपिंग का केस दिया जाता है तो उसके इन्वेस्टिगेशन की ग्रीवेंसी बढ़ती है और इन्वेस्टिगेशन बहुत फास्ट तरीके से किया जाता है। तो IPC 363 के तहत ऑफेंस रजिस्टर होता है। कोई पुलिस ऑफिसर को 2 स्टार या 3 स्टार ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन दिया जाता है तो उसका ग्रीवेंसी बढ़ता है और इन्वेस्टिगेशन बहुत फास्ट करके वो बच्चे को ढूंढ लिया जाता है। तो कानून में ये तब्दीली आ रही है कि जैसे जैसे समाज में परिवर्तन हो रहे वैसे कानून में भी तब्दीली आती जा रही है। हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। ध्रुव के बारे में मेरे को सुना था कि पिछले साल उन्होंने मकर संक्रांति के दिन एक बच्ची को रेप होने से बचाया था। वो लड़की काफ़ी अच्छे तरह से पढ़ाई कर रही है अभी। इसी तरह हम सोसाइटी को और यूथ को विनती करेंगे कि ध्रुव जैसे लोगों की तरह हिम्मत बरकरार रख के पुलिस को मदद करें, कानून को मदद। इस चीज़ को नहीं किसी भी दायरे में ले सकते कि कहीं से भी जस्टिफिकेशन वाली बात यहाँ पे आती नहीं है और जबकि हम इतने कांस्टेंट अवेयरनेस हर जगह फैलाई जा रही है पुलिस द्वारा और पूरे समाज में इस चीज़ों को जागरूक कराया जा रहा है, उसके बावजूद भी जिस हिसाब से ये चीज़ें घटना दर पे दर बढ़ते जा रही है, एक साल के अंदर काफ़ी रेप केसेस, काफ़ी टीजिंग के केसेस हम सुनते रहते हैं, तो मैं यही अपील करूंगा यूथ से कि वो एक अलग स्टैंड लेकर इस चीज़ के अगेंस्ट रहे, ईव टीजिंग को पूरी तरह से रोकने की कोशिश करें क्योंकि कहीं ना कहीं यही चीज़ है, इनको नज़रअंदाज कर देना ही आगे जाकर रेप को भी ये प्रोत्साहित करता है। तो इस चीज़ के अगेंस्ट रहे, कानून के दायरे में रहकर हर चीज़ करें। और वही चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर हर इंसान अलर्ट रहे, हर यूथ और हर मेंबर अलर्ट रहे एक जगह का, तो ऐसी चीज़ें हो ही नहीं सकती।
तो इसी के साथ मैं सबसे यही अपील करता हूँ कि काइंडली स्टे अवेयर एंड ऐसी कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी आप कहीं पे भी नोटिस करें उसे स्टॉप करें और डरे नहीं, जरा भी, पुलिस पूरी तरह से आपका ही साथ देगी और उसे पुलिस स्टेशन लेकर आए या तुरंत ही पुलिस को इन्फॉर्म करें।